बैलगाड़ी बीच बात बीच के बात, लिए। बेच दी बैलगाड़ी। अच्छा, अच्छा बेच दी अब है। जमाना अब उसमें जमाना चला कहाँ गया। रह गया बैलगाड़ी का। तो अभी आप अंकल भूसे का काम करते हैं? तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। तो मेरा नाम है विकास कुमार, आप विकास कुमार वीकेएम चैनल को वॉच करना चालू कर चुके हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और खास होने वाली है। ये वीडियो बनाने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत लगी और जौनपुर के अंदर हमने बहुत लोगों से पूछा, तब जाके उस बुड्ढे का मुझे पता चला जो अंकल थे। हम आपको बता देते हैं, अंकल जो जो वो क्या नाम होता है, सचिन होते ना, जो चंदन का रोल कर रहे होते हैं नदिया के पार में, जो वो बैलगाड़ी लेके जाते हैं, वो उन्हीं अंकल की बैलगाड़ी होती है। जब गाना आता है कौन दिशा में लेके चला रहे बटोहिया, तो उन्हीं अंकल की बैलगाड़ी होती है। तो अंकल से मिलने के लिए चलेंगे। तो उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इतना ढूंढने के बाद में जब हम लोग विजयपुर पहुंचे थे तो वहां की शूटिंग लोकेशन हमने दिखाई आपको, और उसके बाद में हम पहुंचे थे इधर। ये कौन सा पुल है, पीपा वाला पुल, कौन सी जगह है? केराकत। केराकत, केराकत में भी है हाँ, सिहौली साइड में गए थे तो वहां पे पीपा वाला पुल था। तो एक अंकल जी मुझे मिले थे, काफी बूढ़े थे। उन्होंने बताया था कि एक अंकल हैं, उनकी जो बैलगाड़ी थी, जो चंदन होते हैं उस फिल्म के अंदर, जिनका नाम सचिन है, वो इनकी बैलगाड़ी चलाते हैं। तो वो अंकल सामने हमारे बैठे हैं और इन्हीं की वो बैलगाड़ी होती है जो गाना होता है ना, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। तो अंकल जी आपका नाम बता दिए सबसे पहले। लालचंद। लालचंद, लालचंद, लालचंद। तो अंकल जी वो बैलगाड़ी थी वो किसकी थी उसमें? लालचंद आपकी थी ना। हाँ बाबा का नाम बता। अच्छा बाबा का, बाबा का नाम चंदन चौथी। अच्छा आपके पिताजी की वो बैलगाड़ी थी। हाँ। तब आप जब फिल्म शूट हो रही, अभी तो 38 साल हो गए, तब आप भी नए होंगे, हमारे जैसे होंगे ना बिल्कुल। हाँ तो उस फिल्म में जब वो बैलगाड़ी लेके जाते, तो किधर से लेके जाते हैं तुम्हारी बैलगाड़ी? इधर से, ये रोड। हाँ रोड। और वो जो वहाँ विजयपुर में वो दूसरी बैलगाड़ी होती की आपकी होती? दूसरी बैलगाड़ी है, दूसरी बैलगाड़ी होती है। यहाँ आपकी बैलगाड़ी ली गई थी, तो उसके लिए कुछ पैसे वैसे दिए थे उन्होंने बैलगाड़ी के लिए? इतना याद ना आ रहा, याद नहीं इतना ना। अच्छा, और अंकल की काफी उम्र हो गई है तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं सही से, और फिल्म को भी ज्यादा हो गए दिन बने इसलिए कुछ सही से बता नहीं पा रहे हैं। और अंकल कुछ बताइए उस फिल्म के बारे में। फिल्म के बारे में कहा बताई, बहुत दिन कहा बताई बतावा कुछ भी उतने टाइम। जो फिल्म जब बन रही होगी, जब शूटिंग वगैरह ली गई होगी, तो आपने देखी थी कि नहीं देखी थी? हाँ, ये तो देखी होगी कि मतलब कैमरा वगैरह आए होंगे, प्रोड्यूसर वगैरह सब आए। हाँ शूटिंग हो रही, हम बगल से मतलब देख रहे थे। अच्छा शूटिंग के टाइम अच्छा लगता था? हाँ शूटिंग के टाइम अच्छा लगता था। अच्छा जब वो जो अपना बैल होते हैं उनको चलाते थे वो चंदन, तो थोड़ा दिक्कत विक्कत होती होगी, तो आप ही तो बताते होंगे कि ऐसे चलाना है वो, तो क्योंकि शहर के थे लोग थे, उन्हें तो पता नहीं होता ना कि यहाँ का पैशन क्या है। तो आप लोग बताते होंगे कि ऐसे लड़ी को चलाना है, हमारे यहाँ तो लड़ी बोलते हैं, लड़ी यहाँ भी बोलते हैं? नहीं नहीं, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी हाँ। तो फिर कौन बताता था उन्हें चलाने के लिए, आप ही बताते थे? आप ही। तो वो लोग यहाँ कितने दिन तक रुके थे, मतलब शूटिंग जब हुई थी तो यहाँ रुके होंगे, कहाँ रुके थे यहाँ पे? वही बजरिया मतलब में कहाँ रखना हो लोगों का, नहीं पता। ये मतलब जो बैलगाड़ी वाला सीन लिया गया था। हाँ? वो कितने दिन तुम्हारी बैलगाड़ी ली थी उन्होंने? वो हमारी बैलगाड़ी तो मतलब 4 रोल लेने का। 4 दिन? 4 दिन के लिए। अच्छा तो 4 दिन में एक सीन शूट कर पाया था वहाँ पे। अच्छा तो वहाँ पे मतलब जब शूटिंग वगैरह हो रही होगी तो कितने लोग तक आए थे? अरे बहुत से आदमी है। हाँ बहुत से आदमी, मतलब फिल्म वाले को साथ आए थे यहाँ के लोगों को छोड़ के। अच्छा यही वो अंकल है आप देख लीजिए जिनकी बैलगाड़ी थी, और इनसे बातचीत की तो अंकल को थोड़ा बहुत। अच्छा अंकल अभी क्या भूसे का काम करते हो आप? हाँ भूसे है। अच्छा बैलगाड़ी कहाँ है वो? बैलगाड़ी बीच बात के लिए बेच दी बैलगाड़ी। अच्छा बेच दी है, जमाना अब जमाना कहाँ रह गया बैलगाड़ी। तो अभी आप अंकल भूसे का काम करते हैं? हाँ भूसे के। अच्छा मतलब भूसा लगा, भूसा है, भूसा, हाँ, चाचा का भूसा है, भूसा है। हाँ। सामने फिर उसे बेचने के बाद चाचा का गाड़ी ली है। और हम चाचा का प्रमोशन कर दें, जो यहाँ के जौनपुर के लोग हैं चाचा से ही भूसा खरीदें, क्योंकि ये चाचा जो है ना, ये कौन सा चौराहा है, सिहौली चौराहा से जस्ट 20 या 25 कदम की दूरी पे लालचंद के भूसा वाले के नाम से जाने जाते हैं अभी। तो यहाँ पे आए और
हमारी जरिए से आया तो नाम बताया कि हाँ भाई आपका वीडियो देख के आए हैं, ठीक है, जौनपुर के लोग या लोकल के लोग या बाहर के लोग देखते हैं, आपसे मिलने आ सकते हैं कि आपने आपकी बैलगाड़ी थी उस फिल्म के अंदर, तो काफ़ी लोग आ सकते हैं आपसे मिलने, तो जब मिलने आए तो हमारा नाम जरूर लें। उसके बाद में भूसा वगैरह लेना हो तो जरूर यहीं पे लें, और ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। तो अंकल गाड़ी लिए हैं कौन सी? पिकअप है, पिकअप। अच्छा, ये पिकअप है। अभी नदिया के पार वाले अंकल जी की ये पिकअप खड़ी है, अब बैलगाड़ी बेच के पिकअप ले लिए हैं। अच्छा, बैलगाड़ी बेच के पिकअप, क्या बात है भाई। अब जमाना 38 साल हो गए ना अंकल, अब तक बैलगाड़ी हो गए। चार पहिए गाड़ी कब लोगे? चार पहिए गाड़ी कब लोगे? चार पहिए गाड़ी है ना, चार पहिए गाड़ी, फोर व्हीलर, फोर व्हीलर का सही बात है। चलो फिर अंकल कुछ बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि अंकल की उम्र भी काफी हो गई, ज्यादा परेशान करना ठीक नहीं। फिर आपका धन्यवाद अंकल इतना बताने के लिए। तो अभी हम वीडियो शूट कर रहे थे, यहाँ पे देखो काफी सारी भीड़ लग गई है और यहाँ पे अंकल बैठे हुए हैं और अंकल जी बता रहे थे, बताया आपको अंकल ने कि इनकी ही बैलगाड़ी थी, आप देख सकते हैं वो अंकल रहे, काफी बच्चे भी वहाँ पे बैठ गए वीडियो में आने के लिए और लोग भी खड़े हुए बता रहे हैं सारा कुछ। तो दोस्तों ये सब मैंने आपको दिखाया और काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट थी, मैंने अंकल जी को खोजते खोजते इतना टाइम लगा दिया, बहुत टाइम में मिले अंकल मुझे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। और फिर चलते हैं आपको किसी अगली शूटिंग लोकेशन पे ले चलेंगे और अगली वीडियो में आपको मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर, मिलते हैं आपको किसी अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।